लेकिन वो बीच में मुझे रोक दिए। तो जीवन में बहुत कुछ हम लोग संघ से सीखते हैं, समझ रहे हैं। तो जीवन में सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत बार कुछ भक्त लोग मुझे बहुत सराहना करते हैं कि प्रभु जी आप बहुत भक्त लोग गुजरते तब जाके कीर्तन किए रात भर, उनके बॉडी लीव करने तक जो भी। बट मेरे को याद है 2009 में एक बार कोई भक्त गुजर गए थे, तो प्रभु जी उनके समारोह में गए थे लास्ट का फ्यूनरल लाइट्स के लिए। तो मैं आचार्य पे प्रेम से बहुत तीन चार लोग थे, तो करीबन 12 घंटा वो कीर्तन किए होंगे, अभी डांसिंग कीर्तन, समझ रहे। और मेरे को डर लग रहा था कोई मर गया उसका परिवार वाला क्या सोचेगा कि हम लोग हंस रहे हैं, हंस नाच रहे हैं। अब सीनियर जैसा कर हमको भी करना था, समझ रहे। हमको अपना तो कुछ फ्रीडम था नहीं, लेकिन मैं सोचा बेचारा का माँ मरी थी एक व्यक्ति की, बुरी हो गई थी, एक हमारे कांग्रेशन के डिवोटी उसकी माँ मर गई। तो मैं पूरा टेंशन में था कि उसकी माँ मरी बेचारा रोएगा, समझ रहे, और हम लोग जाके नाच रहे, समझ रहे। क्योंकि उस समय मेरा हरिनाम पे भरोसा, मतलब मैं तो अलग टाइप का मूड में था कि अरे तो मर गया तो हमको, समझ रहे। क्योंकि मैं मेटल प्लेटफॉर्म पे था तो मुझे मर गया तो मायूस होना चाहिए। लेकिन तो 12-14 घंटा, सुबह 10 बजे निकले थे, रात को हम लोग 12 बजे पहुंचे थे वापस। तो मेरे को बहुत फेथ मिला, देखिए कि कैसे आत्मा के लिए तो मोस्ट ऑस्पिशियस क्या है, भगवान का नाम कीर्तन। तो प्रभु जी बताया था कि आत्मा अभी भी मरने के बाद आसपास ही रहती है, तो हम लोग कीर्तन करेंगे तो उसको लाभ होगा। तो मैं जानता था फिलॉसफी कि आत्मा भटकती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। हमने तो ये देखा है इंडिया में कोई मर जाता रोते, किसी को नाचते गाते हुए देखे क्या? हाँ, आपने कभी देखा कोई मर गया तो क्या करते लोग? तो हम जानते हैं सोल के लिए भगवान का नाम बहुत ही दिव्य है, लेकिन कभी करते क्या? जानते हैं लोग सब है, कितने लोग कभी किसी को मरते हुए देखे? देखे होंगे मोस्टली, समझ रहे हैं। उसके फ्यूनरल राइट्स में भी गए, लेकिन सब लोग मुंह ऐसे खड़ा करो। बट मुझे पता था कि वो आत्मा है, उनकी माँ जो गुजरी आत्मा है, लेकिन मेरे में उतना फेथ नहीं था। सुना था कि हरि नाम प्यूरिफाई करता है, लेकिन कभी फ्यूनरल सेरेमनी में जाके आप हरि नाम थोड़ी ना करेंगे। लेकिन मैंने किसी को देखा, आचार्य को देखा कि वो बेचारे किए, मेरा श्रद्धा उन्होंने बेचारे प्रेम स्वरूप बजाया था, 12 बजे मृदंग बजाया बेचारा, समझ रहे। मैं डांस कर रहा था, समझ रहे, आसन बुगा रहे थे। तो जो भी है, तीन ही लोग थे, तीन थे। तो पॉइंट में बताना चाह रहा था कि प्रभु जी कितनी श्रद्धा, तो मेरे को भी थोड़ा श्रद्धा। तो जीवन में हम लोग वैष्णव की कृपा से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आज ही प्रवचन में बता रहे थे कि उन्होंने दो वैष्णव का संग किया, दयानंद पुरकार, राधा गिरधारी बोस, सब लोग थे प्रवचन में। तो कैसे उनकी श्रद्धा है कि आप भगवान को पैसा दोगे तो कभी लॉस, वो लोग प्रति मास 50% अपने ढंग पैसा देते। अब हमको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम तो ज्यादा दिन काम नहीं किए, हम एक साल काम किए थे, 2 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में था, हम पेरेंट को दे दिए थे, लीजिए आप 2 लाख, हम कुछ हरे कृष्ण बाय बाय। वो 2 लाख उन्होंने मेरे को दे दिया मंदिर में, समझ रहे। तो हमें तो ये एक्सपीरियंस है 100% देने का, 50% देने का तो एक्सपीरियंस ही नहीं। हमको जो था सब दे दिए थे, पेरेंट्स को दिए थे, उन्होंने भगवान को दे दिया, समझ रहे। तो जो भी है, लेकिन वो लोग ग्रस्त लोग हैं, वो लोग को एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी अगर लॉस हो गया तो, प्रॉफिट हुआ तो भगवान को 50% देंगे, लॉस होगा तो कौन देगा? महीने का 2 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख दे दिए चलो, लेकिन किसी महीना 2 लाख का नुकसान हो गया तो कौन देगा? तो मैं आचार्य को पूछा, आचार्य को बोले वो सब डिटेल्स है, प्रिंसिपल है कि समझ रहे। तो आचार्य को भी कभी ज्यादा दिन काम नहीं किए बाहर, तो उनको एक्सपीरियंस है नहीं पैसा देने का, चैरिटी देने का। तो भी हमारे जैसे आदमी है, तो उन्होंने वैसा ही आंसर दिया, समझ रहे। तो पीछे अभी हम लोग फिर 9 घंटे उसे बात कर रहा था और चीजों पर चर्चा हो रही थी, तो फिर कुछ ग्रस्त आ गए। तो एक ग्रस्त आज मेरे को प्रश्न को पूछे हो, सुने होंगे, तो मेरे को हंसते बोलते लॉस नहीं होगा, बोलते वो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है शायद, ये भगवान के लिए कुछ करेंगे तो बाबा
मेटरली हो भी जाए स्पिरिचुअली तो फैक्ट है, समझ रहे हैं? तिदीप बताए थे उनका, क्योंकि मैं तो पैसा मांगता नहीं हूँ जल्दी किसे, समझ रहे हैं? तो वो हर महीना पास आउट होने के बाद पैसा दे रहे थे कुछ, तो मैं तो कभी जिज्ञासा नहीं क्या दे रहे कि नहीं दे रहे, लेकिन वो दे रहे थे। तो कुछ महीने पहले घर में फेस्टिवल था, क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश का, भाई जी आए थे, एक सिंह भी आए थे, मैं बहुत लोग गए थे, बहुत सुंदर उत्सव है, उसमें खैर 40-50 हजार रुपया खर्चा हुआ होगा, बहुत भव्य में हुआ था। और उस समय तिदीपू की वाइफ का भी कुछ हेल्थ का इश्यूज था, उसके में पैसा खर्चा हो रहा था उनका, तो बताया थे कि उस महीना उनका फादर को भी सपोर्ट करना चाहे थे, तो उधर भी देना चाहे थे, वाइफ का भी कुछ हेल्थ का कुछ देना था, तो उनको लग रहा था इस महीना शायद जो कंट्रीब्यूशन कुछ देते शायद उनको लगा था नहीं दे पाएंगे, मतलब तो सोचे थे मेरे को मैसेज करेंगे या बात करेंगे, भोजी शायद इस महीना नहीं दे, मुझे पता नहीं था वो दे रहे कि नहीं दे रहे, लेकिन तो फिर मैं मेरे फोन में बात हो रही थी उनसे, तो बताया था भोजी मैं सोचा था इस महीना नहीं दूंगा, फिर मैं सोचा नहीं हर महीना दिया हूँ तो दे देता हूँ, तो मैंने दे दिया। तो मंथली कंट्रीब्यूशन प्लस उनका हेल्थ में वाइफ को भी देना है प्लस उधर भी पापा को भी देना था। तो बताया था, लेकिन नेक्स्ट ही दिन उनका मैनेजर उनको कॉल किया, कोई तो कॉल किया, बताया कि आपको 2 लाख रुपए हम बोनस दे रहे हैं। और बोले मैंने तो ऐसा कि स्पेशल काम किया था कि मैं 2 लाख बोनस, और उनका सैलरी इंक्रीज कर दिया। हाँ ऐसा ही था ना कुछ। सो इसीलिए भगवान बहुत आशीर्वाद देते, रेसिप्रोकेट करते, समझ रहे? अब हम लोग को तो अनुभूति नहीं है पैसा से डील करने की, पैसा देना हमको तो उसकी अनुभूति, लेकिन हम लोग को अनुभूति है भगवान का जप करने की। तो मैं देखा जप करने से भी नुकसान, जितना आप जप करेंगे, जितना भगवान के लिए दूसरों को प्रचार करेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, मैं रथ में 10 घंटा नाच रहा था, गाया था उस दिन, मैं सुबह से पानी भी, मतलब सुबह से मैं कुछ भी अन्न भी नहीं खा पाया, एक दाना भी, मैं सुबह से गा रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई थी। मैं रात को फिर 10 बजे जगन्नाथ को फिर मंदिर में बिठाने के बाद ही फिर मैं स्नान करके फिर उस समय भूख नहीं लग रही, उस समय लगा था बॉडी को नीड नहीं है मतलब, लेकिन मैं उसे खा लेना चाहिए कहीं कल से फिर सेवा है। अभी मैं बहुत चक्कर भी आने लगा 2 दिन बाद, लेकिन फिर मैं देखा भगवान मतलब बैलेंस कर देते, कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं से दे देते आप स्ट्रगल को, तो भगवान बहुत आदान प्रदान करते हैं। तो लेकिन ये फेथ आता हमको किसी को देखकर, हम दूसरे को देखते हैं वो ऐसा कर रहे थे हमें फेथ, इसलिए जीवन में सबसे बड़ा फॉर्चून है भक्तों का संग करना, विशेष करके ऐसे भक्तों का संग करना जो लोग अच्छे से भक्ति करें। जैसे उस दिन हम लोग भक्ति वसुदेव महाराज को देखे, क्या उनका एंथुजियाज्म एकदम, अफ्रीका के लिए महाराज आए थे, तो बहुत विश्वास होता है। तो आज वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव तिथि है, वो 72 घंटा डांस के थे, कितना घंटा, 72 आवर्स, समझ रहे? हम लोग तो विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग विश्वास मतलब ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग भी धीरे धीरे हमारा डांस में रुचि आए भगवान के। और आप प्रार्थना करेंगे तो आने लगी, पहले मेरे को डांस में रुचि नहीं थी, मेरे को सिटिंग कीर्तन अच्छा लगता, मेरे को लगता मेरा इतना ऑलरेडी अनर्थ था, भगवान से मैं रोऊंगा कि नाचूंगा, समझ रहे? फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग किया, नहीं हम लोग को सोल्यूशन मिल गया है, हम लोग को नाचना चाहिए, वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव गॉट द मर्सी, हम लोग बीमार थे लेकिन हम लोग को मेडिसिन मिल गया, सेलिब्रेट करना चाहिए, ये भी लॉजिक अच्छा है, भगवान को अच्छा लगता नाचना गाना, तो नाचने लगे तो फिर अच्छा लगने लगा। तो वैसे ही रूप गोस्वामी बोलते हैं साधन भक्ति में शुरू में कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आप सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करना, मेरे लिए तो पता नहीं मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, समझ रहे हैं? कुछ लोग को उठने में दिक्कत होती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हैं? मतलब पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करना, आरती करना, उनके सामने नाचना, जप करना, तो इसीलिए भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। जबकि पहले एक माला करने मेरे लिए तपस्या हो जाता था,
तो मैं नया वक्ता एक माला में जल्दी जल्दी करना चाहता, जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे को 8 बजे कॉलेज था मेरा, समझ रहे हैं, नहा धो के एक माला कंप्लीट करना, फिर ब्रेकफास्ट भी लेना, समझ रहे हैं, फिर साइकिल में चढ़ के भागना भी है। तो एक माला क्या होती थी वो, समझ रहे, 2x स्पीड हो जाती थी, कहीं पर 1.5x स्पीड, घड़ी देखता था कितने पर हमको मतलब जाना है, उसके हिसाब से स्पीड बढ़ जाती थी, 1.5x, 1.2x, 2x, समझ रहे हैं, हर एक समझ रहे। तो जो भी है, तो शुरू में हमारी रुचि नहीं रहती है, लेकिन फिर भक्तों की कृपा से, भक्तों की प्रार्थना से, आशीर्वाद से, धीरे धीरे हम रुचि, कितने लोगों को रुचि आ रही है थोड़ी थोड़ी, हाँ हरी बहु, आप लोग आज गुरु पूजा में नृत्य देख के एकदम इतना अद्भुत लग रहा, सब लोग इतने उत्साह से नाच रहे थे। तो हम कुछ देर चैतन्य चैतामृत से डिस्कस करेंगे आज हेरा पंचमी की लीला को। एक्चुअली मैं चैतन्य चैतामृत के श्लोकों को पढ़ने से ना बहुत विश्वास आता है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली पढ़ पाते क्या हुआ था 500 साल पहले, महाप्रभु भी गुंडीचा में रहे थे, समझ रहे हैं, बहुत बार समझ में लगता है कि कहाँ दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, डिवोटी लोग तो इधर उधर करके बोलते होंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे ना हम लोग जो जो कर रहे हैं वो सब क्या है, महाप्रभु ने किया। तो महाप्रभु ने क्या किया, रथ जब आ रहा था, और महाप्रभु बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे, जब वो भगवान के सामने नाचते जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ स्पीड स्लो कर लेते देखने के लिए, इतना अच्छा लगता है जगन्नाथ जी को चैतन्य महाप्रभु कीर्तन। तो फिर चैतन्य महाप्रभु चेक करने के लिए कि सचमुच मेरे कीर्तन से इस बड़े को लड़की को पटा रहे, समझ रहे, तो भरोसा नहीं भाई क्या चल रहा है, तो पीछे चले जाते थे, अब पीछे चले जाते रथ रुक गया था, एक बार रथ रुक गया और इतना प्रयास किया, हाथी मंगा लिए, सब कुछ मंगा लिया, लेकिन हाथी अंकुश मार रहे हैं, लेकिन रथ आगे नहीं जा रहा। फिर चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु सब लोग हट जाओ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु पीछे गए, मैं श्लोक पढ़ के दिखाता हूँ आपको, तो बहुत अच्छा लगेगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरवास्तविंद, मैं चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 14 वर्स नंबर 47। तो जगन्नाथ जी का रथ रुका हुआ है, भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं, महाप्रभु लेटे हुए हैं, प्रतापु उनका पांव दबाते हैं, महाप्रभु को गोपी गीत सुनाते हैं, महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते, कृपा कर देते, अब रथ चालू करने का समय आता है। यहा जगन्नाथ रथ चलो न समय, गौर सब रोठ ताने आगे नहीं जा, ताने लेकिन जा ही नहीं रहा, वो जगन्नाथ जी कह रहे अपनी इच्छा से ही चलते। इफ यू डू कृष्णा कॉन्शियसनेस नाइसली यू सी मिराकल्स, अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो क्या देखने मिलेगा, प्रत्येक दिन मिराकल देखने मिलेगा, समझ रहे हैं। तो रथ टान रहे बड़े बड़े लोग लेकिन हिला ही नहीं पा रहे, समझ रहे हैं, तानी ते न पारे गौड़ रथ छाड़ी दिलो, पात्र मित्र लैया राजा व्यग्र हैया आइलो, तो ये श्लोक आप लोग देख सकते हैं, तो मोबाइल में एक मोबाइल से 3-4 लोग देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब न्यूज फैल गया कि रथ आगे नहीं जा रहा, रथ आगे नहीं जा रहा, तो मैनेजमेंट कमेटी प्रशासन राजा आए, अरे रथ क्यों नहीं आगे जा रहा, समझ, हजारों लोग को लगा दिए मोटे मोटे एकदम, समझ रहे, अब लॉजिक के अनुसार अगर प्रेशर लगाएंगे तो इसको टालने के लिए एनर्जी चाहिए, समझ रहे,
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी समझ रहे हैं, तो आप टानेंगे तो फिर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पकड़ेगा ना मास। मान लीजिए मास, रथ का मास 1000 किलो है या 10000 किलो है, तो उसमें एक पर्टिकुलर आप फोर्स लगाएंगे तो हिलने लगेगा, है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं? अब हजार लोग मिन के टांगे तो कितना हॉर्स पावर लग गया, बहुत पावर आ गया, नहीं हिल नहीं रहा, लॉजिकल है क्या? लॉजिकल है? लॉजिकल तो नहीं है, समझ रहे हैं? महामल्ल गने दिले रथ चलाई थे, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया, राजा खुद भी लग गए, आपने लागीला रथ ना पारेता नीते, फिर राजा हाथी लोग को बुलाया, किसको बुलाया? व्यग्र हैया आने राजा मोत हाथी गोन, रथ चलाई ते रथ करिलो योजन, व्यग्र हैया आगे आने राजा, तो राजा हाथी लोग ले आओ, हाथी भी चला नहीं पा रहे थे, तो उनके जो वो लोग थे महावत लोग अंकुश मार रहे, अरे चलो चलो, लेकिन एक पद भी नहीं चला। तब जब महापुनि सुना, अच्छा हो गया, तुम लोग ट्राई कर लिया, हटो। सुनी महाप्रभु आइला निज गुण लोइया, मत हस्ती रथ टाने देख दंडाइया, तो माप हुआ है, देखे अच्छा ये लोग किसको लगाया है रस्ती साथ, हाथियों को लगाया टानने के लिए, और जो महावत था अंकुश तेरे घाय हस्ती करे अचित का, उसको अंकुश आ, 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 प्रेशर टाना, लेकिन देखते ना सूर्य पर ऐसे करके आवाज करे, लेकिन रथ टान नहीं, समझ रहे? रथ ना ही चले लोके एक और हाहाकार, सब लोग परेशान हो गए, रथ नहीं चलना, रथ नहीं चलना, रथ नहीं चलना, समझ रहे? तो वहां पर कौन आ गए? महापु आ गए, और सबको बोले हटो, हटा सबको, हटा, समझ रहे? और महापु ने सबको हटा दिया, और फिर सब भक्तों को तुम लोग पकड़ लो, इसे पकड़वा दिया रथ की रस्सी को, सब भक्त लोग रस्सी पकड़ लिए, सबको हटा दिया, 54 नंबर से। तभी महापु सब हस्ती गुचाई ला, नीचे को रथ काची, और अपने महापु पीछे चले गए, कहा चले गए? आपने रथे पाछे ठेले माथा दिया, ओ हड़ हड़ कोरी रथ चलीला दहिया, अपने माँ बाप पीछे चले गए, ऐसे वजह से टच किए, और रात दर 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 गड़ 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 फंस गया, और सब लोग सोचे हम तो टान ही नहीं रहे, अपने आप चल रहे, जितने पार्षद लोग थे भक्तगण कांची हाथे करी मात्र धार, आपने चली ला रथ टानी थे ना पाए, तो बोले रे ये तो अपने आप ही चल रहा है, रथ उनको लेके जाए थे, वो रथ को लेके जाए, रथ उनको लेके जाए, कहीं प्रेशर किसका था पीछे से, काम करे मां बाप, क्रेडिट किसको दिए? दुनिया के लोग यही लोग टांग लेगा। तो वैसे ही हम भी जीवन में जब भक्ति करेंगे देखेंगे सब कुछ भगवान कर दे रहे, लेकिन लोगों को लग रहा हम करें, लोग पूरी आप की, हमको तो पता कौन किया, हम तो कुछ करे नहीं, मैं अपने आप, ऐसा अनुभव होगा जो जगन्नाथ की अच्छे सेवा करेगा उसको इसकी अनुभूति होगी कि हम लोग सिर्फ खड़े रहते काम होते जाता है, कभी कभी मालूम है क्वेश्चन आंसर बूथ पे बैठता हूँ, कभी कभी अपने आप से आंसर निकलने लगता है, जबकि मैं आंसर जानता भी नहीं वाला, लेकिन वहां हेल्प करते, समझ रहे हैं? आप कभी कभी कीर्तन बूथ में रहोगे, आप भगवान से बहुत प्रार्थना करोगे, ऐसा ट्यून निकलने लगे जो आपको सोचे भी नहीं थे, फिर कौन गा रहा, मैं गा रहा हूँ, तुम्हें ट्यून सुना ही नहीं थे, कभी हुआ किसी का अनुभव? मतलब जब सेवा करोगे ऐसे ऐसे किचन में आप चलाओगे तो आइडिया आएगा आपको, जब सोचे भी नहीं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, जो घर में भी नहीं सीखे, होता है कि नहीं? आप कुछ जब सेवा करेंगे ना अनुभूति होगी, नए नए आइडियाज आएंगे आपको, कौन दे रहे वो आइडिया, कौन दे रहे वो आइडिया,
चेतन महाप्रभु काम कर दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं? और सब लोग क्या, जब व्रत चलने लगा तो क्या होगा, सब लोग बोले जय 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 आनंदे 57 आनंद करे आलोक जय जय ध्वनि जय जगन्नाथ बैर आर नहीं सुनी और सब लोग जोर जोर से बोल रहा है जय जय और एक ही आवाज सुनाई दे रही, उसको छोड़ के और कोई आवाज नहीं सुनाई, कौन सी आवाज? जय जगन्नाथ। क्या सुनाई दे रही है? केवल जय जगन्नाथ भाई आर नहीं, सब जगह क्या आवाज आ रही है? जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो जगन्नाथ जी की तो आवाज फैल गई सब जगह, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय। तो चेतन चेतावनी दिया हुआ सब कहाँ दिया हुआ है? तुम्हें पढ़ा तो अच्छा, चेतन चेतावनी दिया हुआ, समझ रहे? मैं भी कभी कोई रथ में जय जगन्नाथ गाता तो मुझे लगता था मैं हरे कृष्णा नहीं गा रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे? लेकिन मैं वही गाना अच्छा लगता है जय जगन्नाथ, तुम्हें तो मैं शायद सहजिया टाइप हो गया, मतलब अपने मन से राधे राधे गाता हूँ जय जगन्नाथ गाता हूँ, कुछ लोग बोलते नहीं हरे कृष्णा गाना है, तो मैं उसको ठीक है बोलते भाई। तो फिर भी मेरे मुंह से कभी कभी अजीत भी मेरे को बोले जी बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग कुछ राधा रमन हरि बोल दो मिनट गाएंगे फिर हरि कृष्ण करेंगे, ठीक है? बोला हाँ कोई ठीक है, मतलब तब मैं पढ़ लिया था इसलिए कि जगन्नाथ चैतन महाप्रभु भी क्या करते थे, पूरा क्या भरा हुआ था, क्या जिससे भरा हुआ था? जय जगन्नाथ, समझ रहे? हरे कृष्णा भी था लेकिन जय जगन्नाथ भी आप गा सकते, कोई अपराध? तो पढ़ने से बहुत फेज आता कि क्या उस समय हुआ था 500 साल, समझ रहे? अब कुछ ही क्षणों में कहां पहुंच गया रात? गुंडीचा पहुंच गया हरि वो, और सब लोग समझ गया किसका किसका प्रताप से पहुंच गया। और आज भी पूरी में चमत्कार होता है, हमें राजभवन को आए थे, उनका जगन्नाथ जी से बहुत अटैचमेंट है, समझ रहे? और जगन्नाथ जी कह रहे थे यात्रा में यहाँ पर सेवा था तो यहाँ पर आए थे, उनका पूरी जाने का भी बहुत इच्छा था। तो फिर अगले उसी दिन रात को वो ट्रेन से पूरी गए, रथ के हम कंप्लीट करने के बाद इतना हैप्टिक रथ के बाद वो कहां चले गए कि चलो भगवान का गुंडीचा में दर्शन करेंगे, उनको रथ तारने का इच्छा था पूरी में। तो जब पहुंचे देखे तो रथ पहुंचा ही नहीं अभी तक, अभी तक भगवान बालगंडी में, फिर वो लोग गए, फिर वो टाने तो पहुंच गए। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ जी बहुत पावरफुल है, इसलिए जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जस्ट चार दिन पहले की लीला बता रहा हूँ, फ्रेश मक्खन एकदम। और हमारे मेघालय में भक्त लोग रथ यात्रा करे, समझ रहे? तो कंपनी के अंदर ऑफिशियली, समझ रहे? ऑफिशियल पेपर पे नोटिस मेरे को भेजे थे कि कैसे वो लोग, समझ रहे? उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज करे रथ यात्रा, सभी कम लोगों को नोटिस मिला कि आप लोग शाम को रथ यात्रा होगी 4 से 7 आ सकते, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ मेघालय नाम क्या है वहाँ हमेशा बारिश होता है। अभी मैं जब मई में गया था तभी बहुत बारिश हुई थी, समझ रहे? लेकिन जब संकीर्तन गए थे तो उस समय नहीं हुई थी, उस समय डबल इंद्रधनुष आ गया था, समझ रहे? तो जो भी है लेकिन बोलते भी मई में चालू हो जाती है, अभी तो क्या है पीक सीजन। तो बोले पूजी 7 दिन से बारिश रुका ही नहीं था, 7 दिन से बारिश 1 सेकंड गई। तो रथ के दिन वो सोचे अब तो बारिश नहीं रुकेगा तो रथ कैसे करेंगे, अभी बारिश हो रही। तो हमारे भक्त लोग फास्टिंग करना चालू किया, जगन्नाथ जी नहीं रुकेगा तो फिर हम लोग फास्टिंग ही करते। तो फास्टिंग की, तो फास्टिंग करते 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 शाम को जैसे 4 बजा बारिश रुक गया, 3 घंटे तक एकदम मतलब बहुत लो बारिश जिसमें रथ यात्रा अच्छे से हो गया और फिर बारिश छवि आ गया। जगन्नाथ स्वामी की, तो जगन्नाथ जी गजब है, जगन्नाथ जी के पाप।
तो सब लोग चिल्ला रहे कि चैतन्य महाप्रभु अपने पाव इतने बढ़िया कीर्तन करे, इतना नृत्य करे कि भगवान जगन्नाथ जी आकर्षित होकर उनके द्वारा कंट्रोल में है, और सब लोग चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगा। 59 जय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य, मत कोलाहल लोके धन्य धन्य, देखिया प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे, प्रभु र महिमा देखी प्रेमे फूले अंगे, तो कुछ लोग जय जगन्नाथ गाए थे, कुछ लोग जय गौर चंद्र जय सचिनंदन भी देख रहे थे, महाप्रभु कितना पावर है वो भी गाए थे, प्रताप रुद्र तो भगवान की कृपा तो देख पा रहा था, बाप रे बाप क्या चैतन्य महाप्रभु का पावर, इतना बड़ा रथ को बस छू के वो। तो आप जो चैंटिंग करते हैं हियरिंग करते हैं बहुत पावरफुल चीज है, इससे पूरा दुनिया चलता है। इसलिए एक बार भक्त बता रहे थे कि पूरा दुनिया को खाना भक्त लोग खिला रहे, कौन खिला रहे, कौन खिला रहे, आप लोग जो माला करते हैं ना 16 माला बैठ के, उसके कारण पृथ्वी देवी खाना दे रही, खाना नहीं देगी तो दुनिया को खाना कौन दे रहा है, आप लोग दे रहे, कौन दे रहे हैं, जो लोग माला कर रहे हैं वो लोग माला करना बंद कर देना, पृथ्वी देवी खाना देना बंद कर देगी 100%। पृथ्वी देवी क्या देना बंद कर देंगी, खाना देना, तो पृथ्वी देवी खाना क्यों दे रही है, क्योंकि कुछ भक्त लोग चैंटिंग करे इसलिए मिल रही। इसलिए आप लोग पता है आप लोग पूरा दुनिया का क्या है, पावर हाउस है, फूड हाउस है। इसलिए जो जप करता समझ रहे कितनी बड़ी दया है जप करना, कितनी बड़ी दया है मंगला आरती में भाग लेना, भगवान के सामने नाचना गाना बोलना जय जगन्नाथ, ये बोलना बहुत बड़ी सेवा है। इससे पूरी दुनिया भर में पृथ्वी खाना दे रही है, नहीं तो नहीं देगी, देगी देव समझ रहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी सेवा हरी कथा सुनना, हरी भजन करना, हरी नाम लेना। फिर भगवान जगन्नाथ जी को पांडु विजय करके उनके आसन में बिठा दिया गया, समझ रहे, भगवान को भोग लगाया गया और महाप्रभु अंगना में आ गए और उन्होंने क्या किया, नृत्य कीर्तन चालू किया, क्या चालू किया, नाचना गाना, समझ रहे, और इतना सुंदर नाचने गाए से सबको हृदय में प्रेम उदित होने लगा। और फिर आरती हुई, भगवान सब रेस्ट ले लिए चैतन्य महाप्रभु, और फिर रोज सब भक्त बोलते थे महाप्रभु हमारे घर में प्रसाद लीजिए, हमारे घर में प्रसाद लीजिए, सब लोग इनवाइट करते थे महाप्रभु को। 9 दिन का उत्सव हुआ यहाँ पर, 9 दिन सब लोग निमंत्रण दिए, समझ रहे हैं। तो इसमें 60 नंबर श्लोक में आता है 66 में कि सब लोग मुख्य मुख्य नव्य जन नव दिन पाइला, 9 दिन जो विशेष था, 9 दिन जो गुंडीचा का 9 रथ यात्रा का दिन है, इसमें 9 भक्तों को मौका मिला भगवान को चैतन्य महाप्रभु प्रसाद देने का, और बाकी फिर चतुर्मास में मौका मिला, समझ रहे। और महाप्रभु जब यहाँ पर रह रहे थे, समझ रहे, तो रोज सुबह उठ जाते थे, क्या करते थे वो 670 और गुंडीचा की लीला क्या होती थी, प्रातः काल स्नान कोरी देखी जोगनाथ, संकीर्तने नित्य करे भक्त गण साथ, रोज महापुरुष स्नान करते थे यहाँ पर, समझ रहे हैं, और जगन्नाथ जी को देखते थे। हम लोग भी क्या करते हैं, रोज स्नान करते हो, किसको देखते हैं, कुछ लोग 4:30 बजे स्नान करते हैं, कुछ लोग 7 बजे स्नान करके 8 बजे डायरेक्ट देखते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। एक ड्यूटी बोलने लगे पूजी मैं लेट हो जाता हूँ, लेट कहाँ होते आप, तो 2 घंटा बिफोर आ जाते, 8 बजे दर्शन है, आप 6:30 तक आ जाते तो दिक्कत क्या है, समझ रहे, आप 1.5 घंटा बिफोर टाइम चले, निराश नहीं होते, 2 बार मंगला आते, समझ रहे, एक बार कितने बजे 5 बजे आए तो कोई बात नहीं, वो मंगला है आ गए ठीक है, नहीं तो फिर दर्शन आरती, समझ रहे, 8 बजे टेंशन क्या, 10,000 गुना फल तो है ही, समझ रहे। अब कोई 12 बजे सोया तो थोड़ा ना उसको जरूरी है कि सबको 4 बजे उठना है, समझ रहे। हम लोग का तो माथा खराब हो गया,
हमको तो 2-3 बजे के बाद नींदे नहीं आता, समझ रहे। तो सबके लिए जरूरी नहीं, सब लोग थोड़ा 6-7 घंटा रेस्ट ले सकते हैं। जो लोग मंगल आरती में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो फिर दर्शन आरती तक आ जाना चाहिए। नाम ही दर्शन आरती, क्या नाम है? ऐसा नहीं दर्शन में भी, समझ रहे, अभी भी सो रहा, मेरे पूछ सपने में देख रहा हूँ भगवान, ये ज्यादा हो गया, समझ रहे। तो फिर सपने में हम रियलिटी में कुछ दिखाएंगे, समझ रहे, समझ। फिर सपना में प्रसाद भी खिलाएंगे, समझ। फिर बोले 4 घंटा और सो जाओ, समझ रहे। तो जो भी है, तो महापुरुष सुबह उठ जाते थे, और संभव है तो उठ जाना चाहिए, लेकिन अब रात को जाए पता है महाराज संग देते हैं तो उसके कारण लेट हो जाता है, क्योंकि महाराज का संग भी हम छोड़ना नहीं चाहते। तो प्रातःकाल स्नान करी, देखी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहीं पर रहते थे, स्नान करते थे, और किसको देखते थे? हम लोग वैसा ही फॉलो कर रहे हैं ना, हाँ, मैच कर रहे हैं कि नहीं, हाँ। और संकीर्तन नित्य करे भक्तगण साथ, और क्या करते थे? भक्तों के साथ में संकीर्तन करते, हम लोग वही करते, करते कि नहीं, हाँ। कितना सुंदर गुरु पूजा, सब लोग नाच एकदम अद्भुत लग रहा था, या मंगल आरती गुरु पूजा, कितना अद्भुत। संकीर्तन नित्य करे भक्तगण, कभी महापुरु अद्वैत आचार्य को नचाते थे, कभू अद्वैत नाचाए कभू नित्यानंदे, कभू हरिदासे नाचाए कभू अच्युतानंदे। कभी महापुरु अद्वैत आचार्य को नचाते थे, कभी नित्यानंद को, कभी हरिदास को, कभी अच्युतानंद को, और कभी कभी किसको नचाते थे? कभू वक्रेश्वर कभू आर भक्तगण, त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रांगण, ओ त्रिसंध्या कीर्तन करे गुंडीचा प्रांगण, और कभी कभी वहां पर किसको नचाते थे? बक्रेश्वर पंडित को। आज किसका तिरुभाव तिथि है? और कुछ तो स्पेशल होता है इन तिथियों में, जैसे आज का डांस थोड़ा स्पेशल लगा था मुझे, ऐसे रोज भी हम लोग डांस करते, लेकिन आज एक अलग शक्ति आ रही थी, और मुझे पता भी था कि बक्रेश्वर पंडित का आज तिरुभाव तिथि, लेकिन मैं को मंगल आरती गाने का मौका मिल गया। तो जो भी है, भगवान कुछ तो एक स्पेशल होता है, समझ रहे हैं। कितने लोग लग रहे थे कुछ आजकल अलग एनर्जी लगती है ऐसे दिनों में, मतलब गुरु पूजा अलग एनर्जी लग रही थी। तो दिनों का भी प्रभु का आचार्यों का आशीर्वाद होता है, और आप थोड़ा सही से अगर भक्ति करेंगे तो इनका फील कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो महापू कभू वक्रेश्वर कभू आर भक्तगण, ती संध्या सुबह दोपहर शाम महापू क्या करते थे? कीर्तन करते थे। कहां पर? गुंडीचा प्रांगण। हम लोग कहां पर हैं, समझ रहे हैं। तो गुंडीचा में प्रांगण में भगवान रह के ती संध्या में कीर्तन, तो सुबह दोपहर शाम हम लोग भी कीर्तन। कीर्तन का मतलब ये नहीं सिर्फ कीर्तन, कीर्तन मतलब क्वेश्चन का आंसर देना भी कीर्तन है, लोगों को भगवान की भक्ति के लिए बुलाना भी कीर्तन है, माला देके जप कराना भी एक कीर्तन है, हाँ, महाप्रसाद बांटना वो भी एक, पाठ करना सभी कीर्तन, समझ रहे हैं। और महाप्रभु का भाव क्या था जाना चाहते? बोले हरि वो महाप्रभु का भाव था वृंदावने आईला कृष्ण ए प्रभुर ज्ञान, कृष्ण रविरह स्फूर्ति हैलावसान, तो वृंदावन आईला कृष्ण आई प्रभु। महापुर ऐसा लगा उनका ऐसा भाव था, कृष्ण कहाँ गए, कहाँ पर है कृष्ण? वृंदावन। ये महापुर का भाव था, क्या था महापुर का, कि हमारे कृष्ण को कहाँ ले आए, हम लोग भगवान कहाँ ले आए, हाँ वृंदावन लाए कि नहीं भगवान को हम लोग, हाँ थोड़ा टान को हम लोग कीर्तन के माध्यम से उनको क्या ले आए, इतना दूर से चला के उनको कीर्तन माध्यम से 8 घंटा 10 घंटा कीर्तन कर कहाँ ले आए भगवान को हम लोग, श्री वृंदावन धाम में ले आए हरि बोल।
अब वृंदावन भाव में कृष्ण समझ रहे मतलब जब वहां से निकले तो वृंदावन जाना है पूरा भाव में थे वृंदा, यहाँ पर आके उनको थोड़ा मन शांत हुआ है, कहाँ पहुंच गया मैं वृंदावन। और मुझे तो पूरा वृंदावन लगता है, सब पेड़ पौधे हैं, लगेगा कोई कलकत्ता बोलेगा कि तो फोटो दिखाओ, बोलेगा नहीं कलकत्ता है, सब पेड़ पौधा चारों ओर है कि नहीं। यहाँ पर चारों ओर देखो क्या दिखेगा, पेड़ पौधा दिखता है कि नहीं, समझ रहे। सो चारों तरफ का क्या है, पेड़ पौधा है। और वृंदावन का पूरा भाव है, सेंटर में कौन है, जगन्नाथ जी, समझ रहे। तो महाप्रभु का ऐसा भाव था, महाप्रभु अलग रस में मग्न थे, हर समय वो राधा कृष्ण का चिंता कर रहे थे। किसका चिंता कर रहे थे, राधा संगे कृष्ण लीला ऐ होइल ज्ञाने, ऐ रसे मग्न प्रभु होइला अपने। महाप्रभु उस रस में मग्न थे कि मैं वृंदावन में हूं। तो नानो ध्याने भक्त संगे वृंदावन लीला, इंद्रदुम सरोवर करे झल खेला। तो महाप्रभु बहुत सारे उद्यानों में वृंदावन की लीला कर रहे थे और इंद्रदुम सरोवर में क्या कर रहे थे, जल खेला कर रहे थे, समझ रहे। और महाप्रभु सब लोग बहुत अच्छे से जल केली कर रहे थे, तो वृंदावन में बड़ा आनंद का माहौल है, समझ रहे। और बड़े बड़े भक्त भी खेल रहे थे जल से, अद्वैत आचार्य नितंब भी जल फेंक रहे थे, वो उसमें ऐ तुम्हें को जल फेंक अशुद्ध करा है, ऐसे करके आपस में वो लोग क्या कर रहे थे, प्रेम कलह कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य भी जल खेल रहे थे, इतना बड़ा पंडित और गुरु क्या कर रहा है, वो भी जैसे हमारे भक्त लोग कीर्तन में एकदम एक दूसरे को एकदम समझ रहे पकड़ के नाचते हैं, कौन जूनियर कौन सीनियर पता नहीं आ जाता है कि नहीं। हाँ तो बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु लीला कर रहे थे, समझ रहे। और महाप्रभु देख के ऐसे देखने लगे, जब सार्वभौम भट्टाचार्य को देखे रामानंद के साथ क्या कर रहा है, बोले ये लोग दोनों लोग पंडित लोग क्या कर रहे रे, इतना बड़ा बड़ा पंडित लोग, समझ रहे, और ये लोग क्या कर रहा है, जल खेल रहा है, समझ रहे। तो गोपीनाथ आचार्य को महाप्रभु बोले क्या चल रहा है, गोपीनाथ बोले आपका कृपा से हो रहा है, किसका कृपा से हो रहा है, समझ रहे। आपने ये लोग के हृदय में क्या भर दिया है, प्रेम भर दिया, इसलिए ये लोग बड़ा बड़ा पंडित लोग भी अभी छोटा बच्चा की तरह। बोले ये जो सार्वभौम था, अब गोपीनाथ आचार्य उनके साले थे, तो थोड़ा बीच में लोग मैं मतलब चलता था मजाक, तो बोलते हैं ये पहले किसका डिवोटी था, सार्वभौम लॉजिक का डिवोटी था, और लॉजिक किसके समान है, शुष्क सूखा हुआ रोटी के समान, शुष्क तर्क खली खाईते जन्म गिला जार तारे लीला में पियाओ। पहले केवल लॉजिक के बारे में डिस्कस करेगा, जो कि क्या था, सूखा हुआ रोटी की तरह, चार दिन का सूखा हुआ रोटी। लेकिन आपने इसको कृष्ण लीलामित का पान करा दिया, ये आपका महा गुण है। हम आपको फिर हंस के भाग गए कि मेरा ग्लोरिफिकेशन होगा, भागो यहाँ, समझ रहे। तो लोग जल खेली किए, खेल रहे हैं, और उसके बाद क्या किए, खूब एक दूसरे के साथ खेलने के बाद प्रसाद खाए। तो महाप्रभु यहाँ पर काफी लीला, प्रसाद का लीला है, इसलिए जो भी गुंडीचा में आते हैं उनको खूब प्रसाद खाना, नहीं भी खाएंगे तो आ जाएगा आपके पास, समझ रहे, अपने आप आता रहेगा, समझ रहे। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ रोज यहाँ पर खूब प्रसाद खाते थे, समझ रहे। और शाम के समय भगवान का दर्शन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर रात को जाके रेस्ट ले लेते थे गार्डन में रेस्ट लेते थे। अगले दिन फिर महाप्रभु गुंडीचा में भगवान का दर्शन करने आए और खूब नाचे गाए और वृंदावन की लीलाओं का स्मरण किए। और यहाँ पर बड़े जगह जगह वृक्ष थी, डाले थी, ऐसा लग रहा था वृंदावन ही है वृंदावन। महाप्रभु देख के बहुत खुश हो गए। 97 वृक्षवल्ली प्रफुल्लत प्रभुर दर्शने,
ब्रिंग पीक गाय बोहे शीतल पवने तो बहुत सुंदर एकदम हवा बह रही थी, बहुत आनंद का एकदम माहौल था। कहाँ पर हवा बहती है, कहाँ पर पेड़ होते हैं? श्री वृंदावन धाम एकदम खूब सुंदर एकदम चिड़चिड़ खूब ऐसे करके आ रहे थे, कोयलों की आवाज आ रही थी, ब्यूटीफुल लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। और महाप्रभु हर पेड़ के नीचे जा जाए कीर्तन की, समझ रहे हैं? प्रति वृक्ष तले प्रभु करे न, समझ रहे? पहले हमारे कभी कभी डिवोटी लोग म्यूजिक करने वाले रात को क्या करते थे वो लोग, समझ रहे? सब स्टॉल में जा जाके नीचे नीचे कीर्तन करते, गौरांगा नित्यानंदा, हमारे मोहन बूथ है वो एकदम सब स्टॉल में रहते थे वो, समझ रहे? सर्वगत है तो वो लोग चालू करते थे गौरांगा नित्यानंदा, कैसा गौरांगा नित्यानंदा पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर महाप्रभु भी कैसे करते थे, हर पेड़ के नीचे जा जाके वृक्ष प्रति वृक्ष तले प्रभु करे न नर्तन, वासुदेव दत्त मात्र करे न, एक एक वृक्ष तले एक एक गान गाए, महाप्रभु अलग अलग वृक्षों के अलग गान गाते थे, हाँ वासुदेव दत्त गाते थे और चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। तो ऐसे महाप्रभु कौन गाते थे कौन नाचते थे? वासुदेव गाते थे और महाप्रभु नाचते थे। एक दिन महाप्रभु ने वक्रेश्वर को बोला, किसको बोला? तुम नाचो हम गाएंगे। तबे वक्रेश्वर प्रभु को ही लाना चीते, वक्रेश्वर नाचे प्रभु लागी लगाईते, वक्रेश्वर नाचो, और वक्रेश्वर नाचने लगे और महाप्रभु क्या करने लगे? तो महाप्रभु कितने प्रिय थे, मतलब ही वॉज द फेवरेट डांसर ऑफ महाप्रभु, बोले वक्रेश्वर नाचो और मैं गाऊंगा, समझ रहे? और गान कौन कर रहे थे? महाप्रभु स्वरूप दामोदर, समझ रहे? ऐसा गान कर रहे थे तो लग रहा प्रेम बह रहा था, समझ रहे? तो लोग बहुत देर तक कीर्तन कर रहे थे, तो इतना प्रेम से कीर्तन करते थे, लग रहा था कृष्ण प्रेम बह रहा है। इसलिए गुंडीचा में हमें भगवान का सुंदर से कीर्तन करना चाहिए, मंगला आरती दर्शनार्थी जितना संभव हो नाचना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, जल केली, मतलब जल केली कैसे करेंगे पता नहीं, समझ रहे? जल केली नहीं करे तो अच्छा है, अरे बारिश आती रहती है, इंद्रदेव जल केली कर रहे हैं आप लोगों से, समझ रहे? तो महापुर कितने दिन तक यहाँ पर है? 104 नव दिन गुंडीचा ते रोहे जगन्नाथ, महाप्रभु ऐछे लीला करे भक्त साथ, तो 9 दिन तक महाप्रभु यहाँ पर रहे थे। हम लोग कितने दिन तक रह रहे हैं? 9 दिन तक, हरी वो तो 9 दिन गुंडीचा ते रहे, कुछ लोग का एग्जाम था लेकिन मन तो यहीं पता, तो आप जहाँ महान था वहीं पर रहे, समझ रहे हैं? और कुछ भक्त लोग हमसे बोलो का मन तो यहीं पता, कल एग्जाम खत्म उससे पहले पहुंच गया, समझ रहे? कल ही एग्जाम शाम को खत्म हुआ उससे पहले ही लोग, समझ रहे कि नहीं? एक दिन भी मिस नहीं करना है, समझ रहे? और टेंपल हॉल में सोया बहुत कि भाई टेंपल हॉल में सोएंगे तो जल्दी उठा दिए जाएंगे, नहीं तो कहीं और सोएंगे तो फिर यद सुतवा न निवर्तन थे, समझ? कहीं और सोने बात पता नहीं भाई, और कहीं कहीं कभी कभी टेंपल में नहीं सोना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर आपको ऐसा जगा दिया जाएगा नींद बुरा नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा स्थान खोजिए जहाँ मुचकुंद का गुफा खोजिए, समझ रहे? जहाँ कोई नहीं उठाए आपको, समझ रहे? ताकि रेस्ट ले सके, ताकि फिर दिन भर आप सेवा कर सके, समझ रहे? हम लोग महाप्रभु का एकदम चैतन्य चैतन्य फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कितने लोग लगा फॉलो कर रहे, बोले हरी वो, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसा करते करते एक दिन क्या गया, क्या गया? हेरा पंचमी आ गया। 106 नंबर श्लोक में देखिए, हेरा पंचमी र दिन आई ला जानिया, काशी मिश्रे को हे राजा सयत्न कोरिया, तो हेरा पंचमी आ गया,
और काशी मिश्रा को बुलाए, महापू ए काशी मिश्रा फेरा पंचमी आ गया है, कुछ व्यवस्था कर। बोला हाँ बापू, बोलिए क्या करना है। बोला ऐसा उत्सव करो, ऐसा उत्सव करो कि आज तक ऐसा उत्सव नहीं हुआ होगा। समझ रहे, काल्य हेरा पंचमी हवे लक्ष्मी रवि जय, ऐसे उत्सव करो जे न कभू नहीं। हाँ महापू ने स्वयं क्या किया है, सेलिब्रेट। समझ रहे, बोले ठीक है, महोत्सव करत ऐसे विशेष संभार, देखी महाप्रभु जैसे हो चमत्कार। तो प्रताप रुद्र महाराज ने सबको बोला ऐसा उत्सव कीजिए, ऐसा उत्सव कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु एकदम एकदम चमत्कार हो उनके मन में। समझ रहे, तो उन्होंने सबसे पहले फेस्टिवल में डेकोरेशन क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग कुछ तो फेस्टिवल किए थे हल्दिया में, स्नान पूर्णिमा शायद किए थे, हाँ हमारे कुछ भक्तों ने, आकाश फूल लोग ने मतलब ऐसा डेकोरेशन किया था, पेड़ उड़ क्या लगा के क्या क्या किया था पता नहीं। समझ रहे, नीतीश फूलों मोर उर बनाए थे, प्लास्टिक क्या बोलते पेपर ऊपर का, मतलब बहुत अद्भुत सिंगार डेकोरेशन बहुत क्या है, एकदम पूरा बढ़िया डेकोरेशन किया गया। समझे, कपड़े टांगे गए, मतलब झांझर लगा दिया गया, चामर लटका, बहुत सारा सुंदर तरीके से। और माँ प्रताप ने बोला प्रसाद डबल बनाओ, आज क्या करो डबल प्रसाद बनाओ। समझ रहे, रथ यात्रा से भी ज्यादा प्रसाद बनाओ, रथ यात्रा है ते जाई छे होए चमत्कार, रथ यात्रा से भी अद्भुत प्रसाद होना चाहिए। तो आज का प्रसाद बहुत विशेष है, समझ रहे, आज क्या है हीरा पंचमी का। महा प्रताप ने बोला आज जबरदस्त प्रसाद होना चाहिए भाई। तो इसके बाद बोला व्यवस्था अच्छे से करो ताकि जगन्नाथ जी अच्छा दर्शन कर सकें। और महापुर सुबह सुबह आए, जगन्नाथ जी का दर्शन किए यहाँ पर, और फिर चले गए नीलाचल। कहाँ चले गए, क्योंकि लक्ष्मी लोग आएगी ना तो देखने के लिए, लक्ष्मी कैसे आएगी, रथ पे आएगी तो मारेगी पीटेगी, समझ रहे। महापू आ गए नीलाचल, मतलब ये वृंदावन हो गया, और वहाँ पर जहाँ जगन्नाथ मंदिर वहाँ पर लक्ष्मी जी निकलेगी वहाँ से, तब वो क्या है नीलाचल है, ये सुंदराचल है वृंदावन। तो वहाँ महापू गए, महापू कहाँ गए, गुंडीचा से उस मंदिर में, और वहाँ जाके देख रहे हैं कि लक्ष्मी क्या कर रही, समझ रहे। तो फिर देखिए उत्कंठा या हाय हेरा पंचमी रंग, आज का आनंद लेंगे, क्या चलेगा, क्या से लक्ष्मी लीला करेगी। तो महापू ने काशी मिश्रा ने बैठने उठने का जगह दिया कि महापू बैठिए बैठिए, समझ रहे। और फिर स्वरूप दामोदर को महापू ने बोला स्वरूप थोड़ा सा लीला बताओ ना, समझ रहे कुछ। उन्होंने बोला अरे जगन्नाथ जी द्वारका में रहते हैं, हाँ तो और वृंदावन देखने के लिए साल में एक बार आते हैं, समझ रहे। तो चैतन्य महापू ने बोला कि देखिए ये जो वृंदावन है ना, वृंदावन समय उपवन गौन तहाँ देखी बार उत्कंठित है। तो महापू बता रहे कि जगन्नाथ जी को उपवन बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। तो महापू बता रहे हैं कि एक्चुअली में जगन्नाथ जी रथ यात्रा नाटक के कर लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, छल है केवल 120 बाहिर हई ते कर रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जा रे प्रभु छाड़ी नीला चल, तो महापू बाहर से रथ यात्रा का छल किए, नाटक करके रथ यात्रा में जाना है, लेकिन एक्चुअली में उनका मेन पर्पस क्या है, एक्सटर्नल रीजन रथ यात्रा है, लेकिन इंटरनल रीजन क्या है कि वृंदावन जाना है, समझ रहे हैं। कितने लोग कहाँ पर हम लोग, श्री वृंदावन धाम। अब वृंदावन धाम में रहना इतना आसान नहीं है, भगवान वृंदावन में सबको प्रवेश, इसलिए वृंदावन में कभी पानी खत्म हो जाएगा, समझ रहे, कभी टॉयलेट में देखें टॉयलेट ऊपर आ गया, हम लोग टॉयलेट कहाँ करें होगा, समझ रहे। वृंदावन में रहना बहुत चैलेंज होता है भाई, इतना मजाक थोड़ना है, समझ रहे। रात को ऐसा ठंडा मारने लगा, अब पंखा का हमको सूचे नहीं पता है, समझ रहे, हम करे तो क्या करे, सोए हैं 12:15 को, समझ रहे, 2 बजे हमारा नींद उड़ गया, समझ रहे, हम करे तो क्या करे, समझ रहे।
फिर किसी प्रकार से हमने जोगाड़ उगाड़ लगा के अपना सोए, सब चार बजे उठे, समझ रहे। तो वृंदावन इतना मजाक वाला चीज नहीं है, समझ रहे। वृंदावन मतलब बहुत टेस्ट आएगा। भगवान वृंदावन में रहने थोड़ी ना देंगे इतना आसानी से बाबा। 10,000 गुना फल कलकत्ता का, उसका 10 गुना, मतलब समझ रहे हैं। इतना इतना मर्सी मिल जाएगा तुम तो पगला जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए मायादेव क्या करते, कुछ लोग जब करते हैं बात करने लगेगा ही करके, समझ रहे। तो उसको बुलाना पड़ता है, जब कर बात मत कर, समझ रहे। तो वृंदावन में बहुत चैलेंजेस है, क्या है समझ रहे। आपको वीडियो दिखा बोले आप तुमने चोरी किया है, समझ रहे हैं। हम बोले आपका लोग चोरी किया, हम घबरा जाएंगे भाई, का हो क्या भाई, समझ रहे। तो वृंदावन में कब आप पे आरोप लगा दिया जाएगा, कब क्या होगा बोलना मुश्किल है, समझ रहे। तो वृंदावन धाम में रहना इतना आसान, समझ रहे हैं। तो वृंदावन धाम रहना बहुत मुश्किल है भाई, समझ रहे हैं। तो महापू यहाँ पर आते थे और लक्ष्मी जी का सुंदर लीला। फिर महापू ने पूछा, स्वरूप दामोदर एक चीज बताओ ना, अरे लक्ष्मी जी तो भगवान की बहुत प्रिय हैं, तो उनको साथ में क्यों नहीं लेके गए। अरे आदमी को पत्नी को लेके जाने चाहिए साथ में। बोले लक्ष्मी जी का औकात नहीं है वृंदावन जाने का। क्या बोले, किसका औकात नहीं है। स्वरूप दामोदर बोले, प्रभु स्वरूप कहे सुन, प्रभु 122 स्वरूप कहे सुनो प्रभु, कारण इहार वृंदावन किराते लक्ष्मी नाही अधिकार। लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं कहाँ रहने का, और तुम लोग सबका है। हाँ लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं, तुम लोग सब कहाँ रह रहा है। तुम लक्ष्मी से बढ़कर चल रहा है क्या, तुम लोग कौन ज्यादा बड़ा हुआ, लक्ष्मी जी तुम लोग। हाँ कहा राहुल, क्या बोलता है राहुल का चेहरा एकदम गदगद हो गया है। कौन ज्यादा ऊपर चल रहा है, लक्ष्मी जी कि आप। हम लोग ऊपर चल रहे बाबा, समझ रहे हैं। किसकी कृपा से, प्रभुपाद जी की, गुरु की कृपा से। आपको गुरु जी हमको माधुर्य रस दे रहे हैं, वैकुंठ से ऊपर, ऐश्वर्य भक्ति से ऊपर माधुर्य भक्ति की ओर ले जा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी हमें। केवल यहाँ रहने से आप लक्ष्मी जी से भी ऊपर पहुंचे। लक्ष्मी जी को अधिकार नहीं यहाँ रहने का, उसको बोलेंगे नहीं माता जी नॉट अलाउड इन पंडा, समझ रहे। कोई कोई माता जी गोपी भाव में रहते हैं, उनको किसी प्रकार से ब्रज का कृपा मिल गया और रह गई, बट समझ रहे हैं। उनको किसी ने कृपा दे दिया, ब्रजवासी ने रोक दिया किसी प्रकार से, लेकिन सबको अलाउड, समझ रहे हैं आप लोग। कितना दुर्लभ हम लोग को सौभाग्य मिला है क्या वृंदावन में रहने का, समझ रहे हैं। तो इस लीला में सबका अलाउड, यहाँ पर गोपियों को केवल अलाउड है, गोपों को अलाउड है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। उनको मार दो, पीट दो, काट दो, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। बोलेंगे नरक चले जाओ, बोले ठीक है नरक चल जाएंगे। मगर गोपी लोग को बोले चरण का धूली दे दो, कृष्ण का हेडेक ठीक कर दे देंगे, नरक जाओगे चले जाएंगे, समझ रहे। तो ब्रज में रहना है तो ये भाव उदित करना बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण के लिए कुछ भी करेंगे। और सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रिय है कि हम दूसरों को कृष्ण के निकट लाएं। तो रथ यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव है, यहाँ पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ भी सेवा करें, हम विग्रह की सेवा करें, इतना सुंदर से फल काटना चाहिए कि भगवान खुश हों, वो खुश होकर दर्शन देंगे, उससे लोग आकर्षित हो जाएंगे, वो भक्त बन जाएंगे। तो आप जो भी सेवा करना सोचना चाहिए, कैसे मेरी सेवा से प्रचार होगा, कैसे मैं कोई आदमी मेरे पास आए, इतने अच्छे से व्यवहार करूं कि वो भगवान के निकट आ सके, समझ रहे। तो इस प्रकार से अभी रथ यात्रा का बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है, समझ रहे। तो अभी आप लोग के पास दो ऑप्शन है। हाँ अभी तो इस प्रकार से हेरा पंचमी के समय फिर लक्ष्मी जी आएंगी, पूरा गुस्सा होंगे, समझ रहे हैं। जगन्नाथ जी से बहुत डांटेंगे पीटेंगी, फिर बोला आता हूँ, समझ रहे हैं। रथ तोड़ के जाएगी, जगन्नाथ जी का सेवक को बांध देगी, और महापुर सब लीला देख के हंस रहे कि बांध दिया गया ये लोग, समझ रहे हैं। तो आप जगन्नाथ जी का सेवक बनना चाहेंगे लक्ष्मी जी का,
अरे पगलवा महापू का आदमी बनो, हंसो बस, समझ रहे, दोनों को देखो मार खाते हुए, समझ रहे, वो मार रहे हो पिटा रहे तुम हंसो ही हरे कि हरे। हम लोग को बैंड पार्टी में रहना है, किस में रहना है? जगन्नाथ का सेवक पिटाई खाएगा, लक्ष्मी का सेवक को वृंदावन में प्रवेश नहीं है, समझ रहे, पीट के बांध के लेकिन रह नहीं पाएगा। हम लोग ताली मारेंगे महापू के, समझ रहे, सो इसीलिए वी हैव टू बी इन कीर्तन पार्टी, समझ रहे। तो जो भी है, तो इस प्रकार से ये हेरा पंचमी की बहुत सुंदर लीला चैतन्य महापू, यहाँ पर भी दो चार पाँच साल से हमारे बलराम गोविंदपुर सब ने मिलके आयोजन कृष्णामा में पूर्ण किया है। तो कुछ लोग पंडा बनते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सेवक बनते हैं, तो अभी फिर होगी वो लीला। तो हम लोग का एलुमनाई गेट टुगेदर टाइप का है ये, तो एवरी डिवोटी कैन शेयर समथिंग, दे वी कैन डू टू थिंग्स, हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। अभी भक्ति वासुदेव महाराज क्लास दे रहे हैं, तो मैं उधर जाऊंगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है मेरे को, तो आप लोग चाहे तो इधर महाराज के मुख से भी सुन सकते हैं, या इधर भी सब एलुमनाइज भी अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, दोनों ही अच्छा है, समझ रहे हैं? हाँ, क्लास करना है महाराज का। हाँ, तो फिर सब लोग चले, महाराज अभी कल्चर स्टोर में क्लास दे रहे हैं, वो इंग्लिश में देंगे, अफ्रीकन महाराज है, और फिर मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा, ठीक है? तो हम लोग एलुमनाई मीटिंग कल कंटिन्यू करेंगे। आज मैं प्रेम स्वरूप को बुलाया था, लेकिन वो बिजी है, शायद कल आएंगे, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। ऐसे हम लोग को एक स्पीकर को भी बुलाना चाहेंगे, रोज़ 11:30 से 1:30 बजे तक हम लोग रोज 2 घंटा ऐसा, इसमें कुछ एलुमनाइज भी बोलेंगे, तो आधा घंटा का लेक्चर भी होगा, ठीक है ना? ऐसा ही हम लोग रोज, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? सब लोग खुश हैं, सब लोग वृंदावन में खुश हैं, कितने लोग कंफर्टेबल लग रहा है इधर? अरे पगलवा, तुम वृंदावन में है ही नहीं, कंफर्टेबल कैसे लग सकता है इधर? आनंद लग सकता है, कंफर्ट नहीं होने वाला है, आनंद लगेगा लेकिन कंफर्ट, कंफर्ट है मतलब वृंदावन में नहीं है बाबा, समझ रहे, बहुत तकलीफ आएगा लेकिन आनंद अंदर से रहेगा। हरि बोल। Thank you.